हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वजन कम करने से लेकर कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट अटैक और किसी भी दर्द से तुरंत राहत दिलाएगा ये तेल। आइए जानते हैं इसके बारे में। लाल मिर्च का तेल बहुत अधिक उपयोगी है। लाल मिर्च के तेल को इंग्लिश में चिली ऑयल कहते हैं। इसका उपयोग कोरियन और चाइना में बहुत अधिक किया जाता है। ये तेल विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसके उपयोग से आप सहज ही अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये उस स्थिति में भी काम करता है जब आसपास कोई और ना हो और मृत्यु सामने दिखने लगे। तो ऐसा क्या है इसमें और किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लाल मिर्च के तेल के फायदों के बारे में और इसकी बनाने की विधि। तो आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में। इम्यूनिटी बढ़ाए। लाल मिर्च का तेल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपके शरीर को रोगों और जर्म से लड़ने की क्षमता देता है। इस तेल में विटामिन और मिनरल भरपूर होने के कारण ये शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करवाता है। कैंसर को रोके। लाल मिर्च का तेल कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिससे ये कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता। ये शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है। ये शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। ये कैंसर कारक को और हमारी कोशिकाओं की डीएनए को मिक्स होने नहीं देता। इस कारण ये उसे बढ़ने नहीं देता। जिन लोगों को नाक हमेशा बंद रहती है या जुकाम की समस्या रहती है, ये तेल उनके लिए बहुत ही बेहतर है। ये शरीर में गर्मी पैदा करता है। इस तेल का सेवन आप तब करें जब आपका नाक जुकाम के कारण बंद हो गया हो। इसका सेवन करने से कुछ ही देर में आपका बंद नाक खुल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल। इसमें मिनरल बहुत होने के कारण ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है, जिससे आपको हृदय घात होने से बचने में मदद मिलती है। और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में मदद करता है, जिससे आपका हृदय सुरक्षित रहता है। और विदेश में एक डॉक्टर तो ऐसे भी है जो रोगी को हार्ट अटैक आने पर सिर्फ लाल मिर्च से बनी हुई दवा को देकर हार्ट सही कर देते हैं। वजन कम। मिर्च के तेल के सेवन से छह पचे काफी स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे में अगर आप वजन कम करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो डाइटिंग हो या एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, इसके साथ में अगर आप लाल मिर्च के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरों की बजाय बहुत जल्द ही अपना वजन कम कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो हीट पैदा करने की क्षमता है उससे आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को जमने नहीं देता और जमी हुई फैट भी कम हो जाती है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए। लाल मिर्च के तेल का निरंतर सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। लाल मिर्च की प्रकृति ही ऐसी है कि इससे आपको भूख अच्छी लगेगी और भोजन अच्छे से पचेगा। दर्द। लाल मिर्च का तेल दर्द को करता है जड़ से खत्म। लाल मिर्च का तेल दर्द के लिए एक अचूक दवा की तरह काम करता है। रीढ़ की हड्डी से दर्द की सूजन जो हमारे दिमाग को जाती है, ये उसे तुरंत बंद कर देता है। इसके लिए आप दर्द वाले स्थान पर अच्छी तरह से मालिश करें। बैक्टीरिया को मारे। लाल मिर्च भोजन के द्वारा शरीर में जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसका कारण इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी का होना है। उल्टी, दस्त और हैजे का रामबाण उपाय। जब भी उल्टी या दस्त हो तो उसके बाद एक चम्मच लाल मिर्च के तेल का सेवन कर ले। दो से तीन बार में ही हैजे की उल्टियां बंद होकर आराम मिल जाएगा। हैजे में इसको बहुत ही अनेक वेदों चारों सुतुन सफलता के साथ लाभ देती है। आइए अब जानते हैं लाल मिर्च का तेल बनाने की विधि। अच्छी सूखी लाल मिर्च लीजिए, इसे अच्छे से छांट लीजिए। कोई काली या सड़ी हुई हो तो उसे बाहर निकाल दीजिए। 125 ग्राम लाल मिर्च लेकर 450 ग्राम तिल के तेल में धीमी आंच में गर्म करिए। ध्यान रहे कि बर्तन लोहे का हो या कलाईदार बर्तन हो। इसे धीमी आंच में तब तक पकाएं जब तक मिर्च काली ना हो जाए, तब उसे पकने दें। जब मिर्च अच्छे से काली हो जाए तो समझ लीजिए आपका तेल तैयार है। अब इस तेल को किसी कांच के बर्तन में निकाल कर रख लीजिए और जरूरत होने पर इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके सेवन की मात्रा, इसका एक चम्मच अर्थात 5 ml आप भोजन में डालकर या अपने रोग के अनुसार ही सीधा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे आपको खाली पेट नहीं लेना है। अब जानते हैं लाल मिर्च के तेल के प्रयोग में सावधानियाँ। लाल मिर्च का तेल एसिटिक होता है, इसलिए इसे खाली पेट नहीं लेना है और गर्भावस्था में भी इसका सेवन नहीं करना है और अधिक छोटे बच्चों को भी इसका सेवन नहीं कराना है। बच्चों के अलावा जिनको बहुत अधिक एसिडिटी की प्रॉब्लम हो वो भी इसका सेवन ना करें। बस बाहरी उपयोग करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों को बाहरी उपयोग भी आपको नहीं कराना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या
फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।